आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इथाइलीन इज यूज्ड फॉर, जो इथाइलीन है वो इन ऑप्शंस में से किस चीज के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो अगर हम ए ऑप्शन पे देखें तो ए ऑप्शन में लिखा है रिटार्डिंग राइपनिंग ऑफ टोमेटोज, जो टोमेटो की राइपनिंग होती है उसको रिटार्ड करता है, उसको कम करता है। ओके, सो हमारा जो ए ऑप्शन है वो रॉन्ग है। बी ऑप्शन में लिखा है हैस्टनिंग ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो रहे हैं उसको इंक्रीज करता है, एसेलरेट करता है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसके बाद सी ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में लिखा है स्लोइंग डाउन राइपनिंग ऑफ एप्पल्स, तो ये स्लोइंग डाउन नहीं करता है, ये इंक्रीज करता है। सो अगेन डी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन रॉन्ग है। एंड डी ऑप्शन में बोल रहा है बोथ बी एंड सी, तो बी तो करेक्ट है लेकिन सी रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। सो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी। सो बेसिकली अगर हम देखें जो इथाइलीन होता है उसको हम फ्रूट राइपनिंग हार्मोन बोलते हैं। ओके, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। ओके, सो बेसिकली जो हमारा इथाइलीन है वो एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। ये सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस या बायोकेमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं प्लांट के अंदर ड्यूरिंग राइपनिंग, उन सबको इनिशिएट करता है। ओके, सो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।